ट्यूटोरियल में आज हम लोग बैकग्राउंड को रिमूव करना सीखते हैं कि किस तरह हम किसी भी इमेज से जेपीजी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। चलिए उसके लिए हम लोग एक फोटो इंपोर्ट कर लेते हैं। हम लोग ये जो हमारा कैनवास है राइट क्लिक करेंगे इंपोर्ट, यहाँ से हम लोग इंपोर्ट पर क्लिक करके एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। और ये हमने इमेज इंपोर्ट किया, अब इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से पेन टूल ले लेते हैं। पेन टूल से हम लोग अपनी इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। अल्ट के साथ हम लोग इस नोट को क्लिक करेंगे तो फ्री नोट फ्री हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम लोग अगला नोट जो है पकड़ेंगे और कुछ इस तरीके से हम लोग उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे जाने के लिए फिर अल्ट से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, फिर हमारा पेन फ्री हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ तक इसे ले आएंगे, इस तरीके से सिलेक्शन कर लेंगे, फिर अल्ट प्रेस करेंगे और इस नोट पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारा पेन जो है वो फ्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नोट पर चलेंगे हम लोग और फिर इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे। तो चलिए सिलेक्शन करने के बाद के प्रोसेस को मैं आगे बताता हूँ आपको। इसके बाद हम लोग इसको बाहर की तरफ से सेक्शन बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, और ये जो हमारा पहला पॉइंट है इससे हम लोग इसको मिला देंगे। अब हमें करना क्या है, इस पर हमें कलर फिल कर लेना है। ये सिलेक्शन हमारा है, इस पर हमें कलर फिल करना है ब्लैक। फिल करने के बाद हमें सेलेक्ट करना है ये ग्रीन वाला ये मॉडल पहला लेयर शिफ्ट के साथ। और यहाँ से हमको करना है बैक माइनस फ्रंट करते ही देख सकते हैं आप बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट कि हमारी अगली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।